स्टीम है, चिकन मोमोज हैं। मैं जल्दी आपको बता देता हूँ, चिकन मोमोज वगैरह हैं। तो अब हमारा आइटम रेडी होके आ गया है, और इस वक्त यकीन मानिए मैंने बहुत सारे लॉलीपॉप खाए हैं, बहुत जगह खाए हैं चिकन लॉलीपॉप्स, लेकिन पर टेस्ट मुझे बहुत बेहतरीन लग रहा है। मैंने इतनी सीना झपटी हो गई कि हमारे कैमरा मैन को चेतन अगवानी साहब। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ शबी अब्बास और आप देख रहे हैं आपके खुद का फेवरेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त हम लोग खड़े हैं पुराने लखनऊ के छोटे बामबाड़े के पास, और आज जिस जगह का हम एक्सप्लोर करने आए, यानी जिस रेस्टोरेंट में हम लोग एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं, वो है ग्रिलर, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो खैर, यहाँ की मैंने बहुत सारा तारीफें सुनी थी, तो मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ा एक विजिट की जाए, यहाँ पे के बारे में इनके रेस्टोरेंट में एक्सप्लोर किया जाए, इनकी जो चीज़ें यहाँ बनती हैं उसको एक्सप्लोर किया जाए। वैसे भी आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ पूरे एक महीने के बाद बना रहा हूँ, और एक महीने जो रमज़ान निकले थे मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है। जब आपने जो भी मेरी लास्ट टाइम वीडियो रिलीज़ हुई है रमज़ान में, वो मैंने 5-6 वीडियो जो मेरी आई हैं वो मैंने रमज़ान से पहले ही शूट करके रख ली थी। तो तकरीबन एक महीने बाद मैं फिर से शूट करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी है इसमें वीडियो में, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मिलते हैं अंदर। तो दोस्तों, हम लोग रेस्टोरेंट के अंदर आ गए हैं, और आज हमारे बैठने का इंतजाम यहाँ हुआ है। तो पहले जल्दी से आपको दिखा दें कि यहाँ के मेन्यू में क्या क्या है। तो ये कुछ स्ट्राइप इनका मेन्यू है। स्नैक्स में आपको यहाँ पे वेज स्प्रिंग रोल, पनीर स्प्रिंग रोल, चिकन रोल, मतलब बहुत सारी वैरायटियाँ मिल जाएंगी। बाकी मोमोज में भी इनके पास वेज मोमोज स्टीम है, चिकन मोमोज हैं। मैं जल्दी आपको बता देता हूँ, चिकन मोमोज वगैरह हैं, और तंदूरी मोमोज का भी एक यहाँ पे तीन तरीके तंदूरी मोमोज भी मिल जाएंगी, और सूप भी इनके पास बहुत सारी वैरायटी के हैं। ये चिकन हॉट सूप है और वेज हॉट एंड सॉस सूप है। इसी तरह एक यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि ये राइस आ जाएगा, यहाँ पे फ्राइड राइस वगैरह है। चाइनीज़ में बहुत सारे आइटम मिल जाएंगे आपको, चाउमीन वगैरह मिल जाएंगी, लॉलीपॉप मिल जाएगी, और पनीर टिक्का वगैरह भी है, चिकन अफगानी वगैरह भी है आपको यहाँ पे, कुलचे वगैरह, बटर नान वगैरह, ये सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि भाई यहाँ पे इतना ज़्यादा रश रहता है कि अगर आपको आना है तो आप 9 बजे से पहले आ जाइएगा, तो आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे इतनी डिमांड है इस रेस्टोरेंट की कि यहाँ पे हमेशा रश, बहुत तगड़ा रश है, क्योंकि ये छोटे वहाँ बड़े के पास है, तो यहाँ पे रश बहुत तगड़ा रहता है। अगर आपको आना है तो आप जल्दी आइएगा। ये तकरीबन 3-4 बजे पर इनकी स्टार्टिंग हो जाती है, और करीब 11-12 बजे तक चलता रहता है। तो मैं बहुत लेट आया हूँ, लेकिन फिर भी मेरी किस्मत अच्छी है, काफ़ी चीज़ें मुझे यहाँ पर अवेलेबल मिल गई। तो अब मैं आपसे मुलाकात तब करूंगा जब हमारा जो सामान है, जो आइटम है, वो रेडी होके आ जाएगा। अब मेरी मुलाकात होगी आपसे तब। तो अब हमारा आइटम रेडी होके आ गया है, और इस वक्त ये हमारे दिलशाद भाई यहाँ पे हैं, वो हमको बता देंगे क्या क्या आपने हमारे लिए यहाँ पे सजाया हुआ है। ये आपका चिली पोटैटो है, ये चिली पोटैटो हो गया है, ये आपका पनीर टिक्का है, ये पनीर टिक्का हो गया, ये चिकन में आइटम है, चिकन अफगानी जी, ये आपका चिकन फ्राइड राइस है, चिकन फ्राइड राइस हो गया, और ये आपका वेज तंदूरी मोमो, वेज तंदूरी मोमो हो गया, ये आपका चिकन लॉलीपॉप, ये मेरा चिकन लॉलीपॉप। और हमारे दिशा भाई ने हमको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। तो दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग खाने के लिए। और बिल्कुल, तो आप खैर जानते ही होंगे कि ये आए हैं छोटे भाई हैं, ये लास्ट टाइम वो ग्रुप में दिखे थे, उसके बाद नहीं दिखे, उसके बाद याद दिखाई दिए, ये गायब हो गए थे। खैर, मैं लेके आया हूँ ताकि इनको भी थोड़ा टेस्ट कराया जा सके।
तो हम स्टार्टिंग शुरू करेंगे लॉलीपॉप से। लॉलीपॉप से स्टार्ट करते हैं। बता दी क्योंकि वो लॉलीपॉप जो है, हाँ जो भी पहले इसको बीच में कर लेते हैं। तो लॉलीपॉप, हाँ ये आपका चिकन लॉलीपॉप रहा, इसको फेस करते हैं यूं करके, आप टेस्ट करते हैं। वाकई लॉलीपॉप थोड़ा स्पाइसी है, लेकिन यकीन मानिए मैंने बहुत सारे लॉलीपॉप खाए हैं, बहुत जगह खाए हैं चिकन लॉलीपॉप्स, लेकिन टेस्ट मुझे बहुत बेहतरीन लग रहा है। बहुत सर, और अभी सबसे अच्छी मुझे इनके लगी है, इतने इनके जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा है। और आप देखेंगे आपके कैप्सिकम हो या फिर कैबेज हो, वो सब आपके यहाँ स्प्रेड आउट है, जिस सारे जाएंगे नोट करा गया उसको। और इस तरह की जो सजावट होती है, मुझे नहीं लगता शायद कहीं इस तरीके से मुझे सजावट, तो ये कैची भी होती है और जो कस्टमर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट भी करती है। तो अब किसकी बारी है, दूसरी बारी ये हो गया, इसको हम लोग किनारे रखते हैं क्योंकि पूरा खा नहीं पाएंगे, जो कैमरामैन आपसे पीछे शूट कर रहे हैं वो भी थोड़ा बहुत खाएंगे अभी बाद में। मेन मेन चीज़ आपको खाली टेस्ट करके बता देता हूँ और क्या क्या चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी खाने का जो मेन प्रोसेस है हम लोग बात वीडियो शूट के बाद होगा, शूट के बाद होगा। तो अब मैं सोचता इसको, हाँ ट्राई करते हैं एक बार और इसको एक बार आपको खोल के दिखा देते हैं। मैं भी ज़्यादा ले लूँगा। हाँ ये रहा आपका तंदूरी मोमोज, ये है तंदूरी मोमोज, तंदूरी वेज मोमोज है ये, यहाँ आपको वेज प्लस नॉन वेज सब मिल जाएगा, हम लोगों ने वेज चॉइस अभी फिलहाल चूज करिए। असल में यहाँ पे चाइनीज और तंदूरी दोनों मिक्स यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी आपको, और एड्रेस बहुत सिंपल है, आप लखनऊ के किसी भी कोने में हो सिर्फ छोटा इमाम बाड़ा पूछ लिए, उसी के पास में आपको यहाँ पे ये रेस्टोरेंट मिल जाएगा। हाँ तो कि मेरे थंबनेल में भी आपको दिख जाएगा, यहाँ का नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिख जाएगा, यहाँ का फ़ोन नंबर भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो इसको थोड़ा अभी किनारा करते हैं, चिकन अफगानी मेरे को ट्राई करना है। हाँ इसको आप पास ले आए, और ये मेरा सबसे फेवरेट रहता है चिकन अफगानी, मैं भी खाता हूँ तो चिकन अफगानी ज़रूर खाता हूँ। सबसे छोटे पीस से शुरुआत करें ताकि ये लीजिए आप भी। अच्छा भाई एक चीज़ पूछना चाह रहा था कि ये चटनी है किस चीज़ की, शेजवान चटनी है क्या? जी ये शेजवान चटनी है और ये हरी चटनी, हरी चटनी है और शेजवान चटनी है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये चटनी के साथ साथ चटनी के साथ साथ आपको प्लस जो भी दोनों सॉसेज होते हैं ग्रीन चिली एंड रेड सॉस आपको दोनों मिल जाएंगे यहाँ पर, राइट? हाँ कस्टमर चॉइस पर, तो आप मंगवा। ये चीज़ मैं आपको देखूँ कितना सॉफ्ट है कि एक देखिए मैं एक हाथ तोड़ रहा हूँ दो उंगलियों से, तो ये बहुत बढ़िया, तो इसकी सॉफ्टनेस देखिए चिकन अफगानी की, ओहो पूरा क्रीम में लगा के इसमें बनाया जाता है, टेंडर है, प्याज वगैरह भी साथ में दी गई है। वाह ये इनका चिकन अफगानी था, तो इसको भी मैं थोड़ा नहीं उसाइड करता हूँ। अब ये आपका तंदूरी नहीं पनीर टिक्का, पनीर टिक्का, पनीर टिक्का, पनीर टिक्का है ये, इसकी भी प्रेजेंटेशन आप लोग देख सकते हैं। तो ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल इसको मैं इसको हरी चटनी का खाता हूँ, और थोड़ा सा ये भी ले लेते हैं तो शेजवान चटनी है ये भी ले लेता हूँ। तो गुड मैन भाई, जैसे इनके रेट हैं उसके हिसाब से बहुत अच्छा, सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि अगर आप एक बार टेस्ट करने आएंगे तो अफोर्डेबल रेट में आपको काफ़ी चीज़ें मिल सकती हैं यहाँ पर, और फैमिली का लाइफ प्रॉपर इंतजाम है यहाँ पे, आप आइए आराम से यहाँ बैठिए, फैमिली आप इंटीरियर भी देख पा रहे होंगे इधर। तो अब बारी किसकी है, अब किसको खाते हैं? नहीं जी रिपोर्ट से इसको लेंगे, सामान इतना ज़्यादा है कि थोड़ा उसमें कन्फ्यूज़ हो जा रहा है कि मैं पहले ये खाऊँ पहले ये खाऊँ। अब ये दो चीज़ बची हैं आपके सामने, हम इसको हाथ से खाएंगे, इसको मैं यूँ कर देता हूँ, और ये है हनी चिली पोटैटो। हाँ हाँ ये अगर आप फैमिली साथ आएंगे और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ लगने वाली है ये। इनफैक्ट ये क्रिस्पी हनी चिली पोटैटो थे, फर्क ये होता है कि हल्का सा जब आप इसको च्यू करते हो हल्का सा क्रिस्प होता है अंदर से, बहुत अच्छा लग रहा है ये। अब ये भी हो गया वो भी हो गया, अब एक ये लास्ट आइटम बचा है इनका चिकन फ्राइड राइस, जो कि सब लोग खाते भी हैं और सबकी ये मैन के लिए भी एक स्पून दिए दे रहा हूँ, शुक्रिया। और इसको मैं सोचा हूँ शेजवान चटनी सर मिला के दूँ, वाह बहुत उमदा ये उसके। ओहो ये भी स्पाइसी है, बहुत अच्छा है,
चिकन के पीसेस जो पीसेस हैं प्रॉपर है, और ऐसा नहीं है कि इनमें राइस ज्यादा हो और चिकन पीसेस कम हो, दोनों एडिक्वेट क्वांटिटीज में, दोनों अवेलेबल अच्छी क्वांटिटी में है ये। हाँ, तो चिकन लॉलीपॉप बता दिया आपको, हनी चिली पलेटो बता दिया, और ये पनीर टिक्का बता दिया आपको, तंदूरी मोमो, तंदूरी मोमो तो हो गया होगा नीचे का, मेरे ख्याल सब कुछ कवर हो गया है मैंने। हाँ, कवर हो गई है, और अब तो शायद बचाने खाली पानी बचा है, वो पानी बचा वो बाद हम लोग पियेंगे जब सब लोग खा चुकेंगे, फिनिश हो जाएगा उसके बाद हम, क्योंकि हमारे कैमरा मैन है उनको भी भी पानी आ रहा है, जमाने में पानी आ रहा है, उनके हाथ बार बार आगे आ रहे थे भाई, तो अभी आप देखेंगे बाद में। तो फिलहाल ये चीज़ है, मैं थोड़ा छोटा सा रिव्यू हमारा, जो यहाँ की चीज़ें जो आइटम यहाँ पे अवेलेबल है, खाली यही नहीं, इनके मैंने आपको इससे पहले बताया इनके मेन्यू बहुत ही लंबी चौड़ी लिस्ट है, इनके मेन्यू आइटम बहुत वगैरह भी हैं, वो हम लोग ने नहीं मंगाया क्योंकि मंगाया हम लोग इतनी क्वांटिटी में चीज़ें हम लोग खा पाएंगे, खा पाए करेक्ट, तो बहुत बड़ी इनकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है इनके, अगर आप अपनी फैमिली साथ आएंगे, बच्चों साथ आएंगे वो भी इन्जॉय करेंगे, अगर अपने बड़ों के साथ आ रहे हैं तो वो भी यहाँ पे आके इन्जॉय करेंगे। तो दोस्तों जब हम इसको फिनिश कर रहे हैं, अब हमारी मुलाकात होगी आपसे तब जब इस सब चीज़ को हम लोग फिनिश कर लेंगे, क्योंकि तो भूख बहुत तेज लगी है, उस टाइम बज रहा है रात का 11। हाँ, और क्योंकि हम लोग पुराने लखनऊ में हैं, रात को 11 बजे भी यहाँ पे 11 12 1 बजे यहाँ पे चहल पहल रहती है, तो फिलहाल इसको फिनिश करें, घर भी जाना है, वीडियो भी एडिट करनी है, और ये वीडियो मेरी सैटरडे को शाम को 7 बजे आ जाएगी, तो फिलहाल इसको फिनिश करते हैं, मुलाकात हम आपसे करेंगे। हाँ, तक हाँ तब तक ये मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कर दिएगा, चैनल का नाम आपको पता ही है शबीर फूड वर्ल्ड के नाम से, इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, और कोई भी क्वेरी होगी मैं यहाँ, तो रेस्टोरेंट का नाम आपको ग्रिलर्स इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल होगा, आपको मिल जाएगा उसको, और यहाँ की टाइमिंग एक बार फिर से बता देता हूँ, 3 बजे से लेकर रात 11 बजे तक यहाँ पे आप आ सकते हैं, और जैसे कि मैंने बताया फ़ोन नंबर भी मैं यहाँ से दे दूँगा, किसी चीज़ कोई क्वेरीज वगैरह हो तो उससे आप कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करने, कोई भी क्वेरीज होगी मैं आपको सुनूंगा, यहाँ से पूछ के आपको मैं बता सकता हूँ। सो इसको मिलते हैं अब खाने के बाद, आने के बाद, और जब तक आप मेरे कोई आपको कुछ पूछना तब तक मेरे कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन लिख के सेंड किए, मैं आपको फ़ौरन जवाब भी दे दूँगा, तो फिलहाल इसको मैं फिनिश करने के बाद मिलता हूँ आपसे। तो दोस्तों खाना हम लोग का हो गया फिनिश, और ये जैसे देख सकते हैं आप कि खाली हड्डियाँ बची हैं इसकी, और खाली खाली प्लेटें बची हैं, और भाई आप चीज़ बताओ वो खाना इतना टेस्टी था, चिकन अफगानी आया था, तो हमारे कैमरा मैन इतनी छीना झपटी हो गई कि हमारे कैमरा मैन वो नहीं चिकन अफगानी सब, और बहुत ज़बरदस्त चिकन अफगानी था, और खासतौर से चिकन लॉलीपॉप, और जो फ्राइड राइस चिकन फ्राइड राइस बहुत अच्छा है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा चिकन लॉलीपॉप और चिकन फ्राइड राइस भी, और चिकन फ्राइड राइस अगर आप यहाँ पे आए तो यार ज़रूर इसको आप टेस्ट करके देखें, तो यकीन मानिए कि एक बार खाएंगे दोबारा भी आप ज़रूर खाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप वो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ, रिकमेंड ज़रूर कीजिएगा मुझको कि अब मैं कहाँ की वीडियो बनाऊँ, और जाने से पहले बगैर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। Thank you.